गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उसका भाई अनमोल बिश्नोई की ओर से सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही। पिछले 15 दिनों में सलमान खान को 3 धमकियां मिल चुकी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को एक बार फिर सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज मिला और यह मैसेज सलमान के भाई की ओर से भेजे लॉरेंस बिश्नोई के भाई की ओर से भेजे जाने का दावा है। मैसेज में लिखा है कि सलमान अगर जिंदा रहना है तो बिश्नोई बंदे जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ रुपए। सलमान पर खतरा बरकरार, धमकी मिल रही लगातार। सलमान खान को फिर मिली धमकी। लॉरेंस का भाई, भाईजान की जान का दुश्मन, भाईजान पर संकट भारी, मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। एक बार फिर सलमान खान को जान से मार देने की धमकी आई है। मुंबई का जो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस है उसके नंबर पे एक मैसेज आया है जिसमें सामने वाला शख्स अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बता रहा है। वो साफ तौर पे लिखता है कि सलमान खान को मंदिर में जाकर बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए और 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा है क्योंकि उनके गैंग के मेंबर अभी भी सक्रिय है। सलमान खान को लगातार जान का खतरा बना हुआ है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है लेकिन धमकी भरे मैसेज भेजने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, साथ ही 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। दरअसल मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के भाई की तरफ से यह धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। मैसेज में कहा गया है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना है तो उन्हें बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए या फिर 5 करोड़ देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो सलमान को जान से मार देंगे। मैसेज में ये भी लिखा है कि उनकी गैंग आज भी सक्रिय है। सलमान खान के नाम पर आए इस धमकी भरे मैसेज की जानकारी आधी रात को मिली। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में काम करने वाले अधिकारी ने जब ये मैसेज पर उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिल पाई। दरअसल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हैं। बीती रात सलमान को मिली धमकी पिछले 15 दिनों की तीसरी धमकी है जो लॉरेंस के नाम से दी गई है। पहली धमकी 25 अक्टूबर को दी गई। बाबा सिद्दीकी के बेटे के ऑफिस में मैसेज आया, 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और पैसे ना देने पर सलमान और जीशान की हत्या की धमकी मिली। नोएडा के मोहम्मद तैयब ने लॉरेंस के नाम पर धमकी दी थी, उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरी धमकी 30 अक्टूबर को मिली जब आजम मोहम्मद मुस्तफा नाम के आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मैसेज किया, 2 करोड़ ना देने पर जान से मारने की धमकी दी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तीसरी धमकी 5 अक्टूबर को मिली जब सलमान से 5 करोड़ की डिमांड और बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगने की धमकी मिली। हाल ही के दिनों में खासतौर पर बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ये इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने आए हैं जिसमें इस तरीके के कंट्रोल जो ट्रैफिक कंट्रोल नंबर है उस पर मैसेज करके या फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। खासतौर पर सलमान खान और उनके परिवार वालों को निशाना बनाया जा रहा है। सलमान खान इन दिनों फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त है। धमकी मिलने के बाद सलमान खान लगातार बेहद सख्त सुरक्षा के बीच चल रहे हैं। उन्हें Y+ सुरक्षा मिली हुई है। सलमान खान की सुरक्षा में उनके बॉडीगार्ड शेरा के 40 लोग रहते हैं। एक्टर के सबसे करीब शेरा, उसके बाद 3 लेयर में 40 बाउंसर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। साथ ही Y+ सुरक्षा में 11 जवान होते हैं। इनमें से 2 से 4 कमांडो भी होते हैं। उनके साथ बुलेट प्रूफ कार भी रहती है। NIA ने कहा था कि सलमान खान उन 10 लोगों की लिस्ट में टॉपर हैं जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मारने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद सलमान खान के घर और फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अप्रैल 2024 में 3 शूटर्स ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की थी, जिसके आरोपियों को पुलिस ने जद्दोजहद के बाद अरेस्ट किया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। और अब फिर से सलमान को धमकी दी गई है। इस धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया है। धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है।
मुंबई पुलिस इस वक्त किसी भी धमकी को लाइटली मोड पे ले जाने के मूड में नहीं है और इसीलिए जब भी कोई इस तरह की धमकी आ रही है उस पर तुरंत एक्टिव जो प्रोटोकॉल दिखाते हुए जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। हमने देखा है हाल ही के दिनों में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र के बाहर से भी कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इस बार भी मुंबई पुलिस अपनी जाँच शुरू कर चुकी है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Z News.